नमस्कार स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आई में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर थर्टी करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को इंजॉय करेंगे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर वन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 नाइनटीन इज क्लियरली डिफाइंड भारत सरकार अधिनियम 1919 को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है आपके ऑप्शन हैं ए द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का प्रथिकरण बी द जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट केंद्र और प्रांतीय सरकारों का अधिकार क्षेत्र सी द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वाइसराय भारत के राज्य सचिव और वाइसराय की शक्तियाँ डी नन दब उपरुक्त में से कोई नहीं कैसे परिभाषित किया गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी द जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू द प्रिंसिपल ऑफ डायर की वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ वेद शासन का सिद्धांत किसके अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था आपके ऑप्शन हैं ए 1861, बी 1892, सी 1909, जीरो नाइन टी नाइनटीन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में गलत कथन की पहचान करें आपके ऑप्शन हैं ए दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉरले मिंटो रिफॉर्म इस अधिनियम को मॉरले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है बी दिस एक्ट सेटेड द सेंट्रल एंड प्रोविशियल सब्जेक्ट इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया सी द गर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस सौ उन्नीस इन नाइनटीन टी वन भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ उन्नीस उन्नीस सौ इक्कीस में लागू हुआ था डी मॉन्टेगो वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चैम्सोर्ड वाइस राय ऑफ इंडिया मोन्टेगो भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चैम्सो भारत के वाइस तो थे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए दिस एक्ट मिंटो रिफॉर्म ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नेंस रिमेंड यूनिटरी

अधिकार का एक बड़ा हिस्सा प्रांतों को सौंप दिया गया था उपयुक्त तो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है देखिए जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सरसन द स्ट्रक्चर एंड ऑफ गवर्नेंस रिमेन यूनिटरी एंड सेंट्रल विद एनफोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ उन्नीस सौ उन्नीस ये स्टेटमेंट गलत है रीजन क्या कह रहा है अ लार्ज पार्ट ऑफ अथॉरिटी वॉज डेलीगेटेड टू प्रोविंस तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन असर्शन गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए डायरकी मीन्स डिविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर इन टू सेक्शन रीजन आर

जो सेशन ए कह रहा है कि डायकी मीन डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर इन टू द सेक्शन ये बिल्कुल सही है रीजन क्या कह रहा है कि इट वॉज एनफोर्समेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबल प्रोविंस ये भी जो कथन है ये सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर next question question number 6 which of the following statement is are true a after the nagpur session 1920 of congress the provincial congress committee were constituted on linguistic basis b in 1948 congress rejected the demand for of formation of provinces on linguistic basis select the correct answer from the code below निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया बी 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को खारिज कर दिया नीचे दिए गए कोर्ट से सही उत्तर का चुनाव करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन बी कह रहा के बाद 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को खारिज कर दिया तो ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन

पहला संघ का प्रावधान दूसरा प्रांतीय स्वायत्ता तीसरा प्रांतों में द्वेत शासन की शुरुआत चौथा संघीय विधायिका को अधिकृत करना दी गई कोर्ट संरचना का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड थे तो इसका आंसर क्या होता है पहला प्रोविजन ऑफ फेडरेशन ये भी इसमें इंक्लूडेड था और प्रोविंशियल ऑटोनोमी ये भी इंक्लूडेड था तो पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नि्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार में प्रांति स्वायत्ता की शुरुआत की आपके ऑप्शन है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन बी कैबिनेट मिशन सी साइमन कमीशन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द इंडिया काउंसिल अबोलिश्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया आपके ऑप्शन हैं ए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 C the Government of India Act 1935, D the Indian Independence Act 1947. will be option C the Government of India Act 1935. Next question. Question number 10. Which of the following report was the baseline of the Government of India Act 1935? में से कौन सी रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 की आधार रेखा थी आपके ऑप्शन एक्ट डी द साइमन कमीशन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द साइमन कमीशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन

भारत सरकार अधिनियम 1935 की कुछ मुख्य विशेषता पहला राज्यपाल के प्रांतों में द्वेत शासन का उन्मूलन दूसरा राज्यपालों की विधायी कार्यवाही पर वीटो करने और स्वयं कानून बनाने की शक्ति तीसरा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का उन्मूलन तो क्या क्या इसमें आ जाएगा देखिए जो पहला कह रहा है राज्यपाल के प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन ये इसमें सही है ये इसके अंतर्गत आएगा और दूसरा कह रहा है कि राज्यपालों की विधायक कार्यवाही पर वीटो करने और स्वयं कानून बनाने की शक्ति तो ये भी इसमें सही है 1935 एक्ट में शामिल था तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबॉलिस्ड भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या समाप्त कर दिया गया आपके ऑप्शन ए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बी डायर की सी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया डी रेस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोविंशियल डायरकी नेक्स्ट क्वेश्चन

तीसरा केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ कर तो दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तेरव का क्या आंसर हो जाएगा देखिए जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोविंशियल अटोनॉमी ये सही है दूसरा कह रहा है दस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट ये भी सही है और तीसरा ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर ये भी बिल्कुल सही है तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों इंक्लूडेड है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन

इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इट इज अ मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है ए डायर्की एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस B a bicameral legislature. C provincial autonomy D and all India Federation. Kya ho jayega? option A Diarchy at the center as well as in the provinces. A is the right answer. Next question. Question number 16. The real intention of the British to include the princely states in the federal union.

अंततः ब्रिटिशों द्वारा सभी रियासतों पर पूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कब्जा कर लिया गया। एंटी इंपीरियलिस्टिक डॉक्ट्रीन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को संतुलित करने के लिए राजकुमारों का उपयोग करना क्या हो जाएगा इसमें लाके अंग्रेजों का वास्तविक इरादा था 1935 में इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्रिंस ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट द एक्ट ऑफ 1935 अ कार व्हिच हैज अ ब्रेक बटन नो इंजन निम्नलिखित में किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार्य जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू बी सी सी महात्मा गांधी डी सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू है

नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 इन व्हिच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड रिजेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया आपके ऑप्शन हैं ए रामगढ़ सेशन 1940 बी लखनऊ सेशन 1935 सी फैजपुर सेशन डी नन ऑफ दीस

इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष उन्नीस में भारत के संविधान में शामिल किया गया है आपके ऑप्शन हैं ए फंडामेंटल राइट बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट डी कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर हु हैज सेड इट आई हैव नॉट टू इन इन कनेक्शन विद द द एलिगेशन दैट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ मेजर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव हैज अगेन बिन रिप्रोड्यूसड यह किसने कहा है मुझे इस आरोप के संबंध में क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के मसौदे में भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस का एक बड़ा हिस्सा फिर से दोहराया गया है आपके ऑप्शन से ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी सरदार पटेल सी जवाहरलाल नेहरू डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड आपको दो लिस्ट दी गई है और उसका मिलान करना है एक तरफ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरी तरफ है ए प्रोविजन फॉर ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ डायर की तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ कम्यूनल इलेक्ट्रेट चौथा इस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पहले इसका मिलान करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट किससे मिलेगा ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडियन काउंसिल एक्ट जो था उन्नीस वो क्या था इंट्रोडक्शन ऑफ कम्यूनल इलेक्ट्रेट

The Regulating Act 1773, B. The Charter Act 1833, C. The Government of India Act 1919, D. The Protection of Civil Right Act 1955, E. None of the above, or more than one of the above. This ka answer is option D. The Protection of Civil Right Act 1955. D is the right answer. Next question. Question number 25. Consider the following statement. First, Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. Second, a Supreme Court was established at Calcutta by the Regulating Act 1773. Third, the Indian Penal Code came into effect in the year 1860. Which of the statements given above are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें पहला वॉरन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश पैटर्न पर भारत में नियमित पुलिस बल की स्थापना की दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तीसरा भारतीय दंड संहिता वर्ष अठारह में लागू की गई तो प्रदेय कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिड एट कलकटा बाय द रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन सेवेंटी थ्री ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और तीसरा कह द इंडियन पिनल कोड केम इंटरफेक्ट इन द ईयर एटीन सिक्सटी ये भी बिल्कुल सही है तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तो आज हमने सेट ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लिया है अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आई को थैंक यू थैंक यू फॉर द वॉचिंग May the force be with you.